जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल अभिषेक जतवार इन्फॉर्म। स्पेशली बात करने वाली है कि महिला अग्निवीर की जो भर्ती है मध्य प्रदेश की, तो ये भर्ती कब से होने वाली है और उसके साथ साथ दोस्तों ये भर्ती में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कौन सी लोकेशन पर ये भर्ती होने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो बता दूं कि मध्य प्रदेश के अंदर बहुत सारे जिले हैं, जैसे कि बालाघाट, रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, उमरिया, उसी के साथ साथ भोपाल के साइड के भी रायसेन, सीहोर, नरसिंहगढ़, ये सारे दोस्तों जिले मध्य प्रदेश के अंदर आते हैं। तो एक अपने भोपाल की एक कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट, उनका जो है एक मैसेज आया कि भैया बताइए कि जो है जो आर्मी अग्निवीर के भोपाल वालों की भर्ती है कब होने वाली है। तो दोस्तों मैंने सबसे पहले तो उनसे एक बात पूछा कि आपके एडमिट कार्ड में आपने जब रिटर्न एग्जाम दिया था और रिटर्न एग्जाम आपने क्वालिफाई किया, तो रिटर्न एग्जाम में आपके एडमिट कार्ड में क्या लिखा है, जेडारो का नाम क्या लिखा है। तो उन्होंने मुझे साफ साफ बताया कि मेरे जेडारो का नाम जबलपुर लिखा है। वहीं दोस्तों मैंने भी अपने एरिया के एक बालाघाट के फीमेल कैंडिडेट का एडमिट कार्ड चेक किया, तो उनके भी जेडारो पर जबलपुर का नाम लिखा था। इसके बाद दोस्तों मैं जस्ट आपके जो आर्मी अग्निवीर के ऑफिशियल वेबसाइट पर जो रैली के नोटिफिकेशन डाले हैं, वहां पर मैंने WMP मतलब वुमेन मिलिट्री पुलिस के जो है फिजिकल की डेट देखा, तो वहां पर मुझे मैंने ऐसा देखा कि सभी राज्यों के एक ही सेंटर बनाया गया है, यानी जितने भी राज्य है हर राज्य के एक सेंटर बनाया गया है। मान के चले अगर से तमिलनाडु है तो तमिलनाडु में महिला अग्निवीर भर्ती का एक सेंटर बनेगा। इसके साथ साथ मैंने चेन्नई का देखा, तो चेन्नई का भी दोस्तों एक सेंटर बनेगा और इसके साथ साथ बेंगलुरु का भी एक सेंटर बनेगा फिजिकल का। उसी प्रकार से दोस्तों मध्य प्रदेश में जितने भी जिले आते हैं आर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जोन, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो मध्य प्रदेश में जितने भी आर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जोन आते हैं उनका दोस्तों फिजिकल जबलपुर में होगा, क्योंकि ये साबित हो गया भोपाल वाले भी फीमेल कैंडिडेट के द्वारा और जो है मध्य प्रदेश का एक जिला बालाघाट वाले फीमेल कैंडिडेट के द्वारा, क्योंकि दोनों के जेडारो पर जबलपुर नाम लिखा था। इसका मतलब दोस्तों सभी का जो है फिजिकल जबलपुर में होने वाला है। अब मध्य प्रदेश के सभी जो है जिलों वालों का फिजिकल जबलपुर में होने वाला है, किनका, फीमेल कैंडिडेटों का। तो अब फीमेल कैंडिडेट जो भी है महिला अग्निवीर भर्ती वाले, उनका ये भी डाउट है कि फिजिकल जबलपुर में तो होगा लेकिन उनकी जबलपुर के ग्राउंड की लोकेशन क्या रहेगी। तो मैं आपको बता दूं, आपका फिजिकल के कम से कम 8 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी होगा, तो उसमें ये रैली का लोकेशन, ग्राउंड का नाम जो है ऑलरेडी दे दिया जाएगा, तो आप उसके लिए चिंता न करें। अब रही बात दोस्तों इस भर्ती में 16 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपको। अब आपको 16 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो आपको दोस्तों 16 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है। अब 16 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स क्या है, मैं आपको एक एक करके डॉक्यूमेंट्स के नाम गिना देता हूँ। सबसे पहला तो आपको दोस्तों आपका एडमिट कार्ड, दूसरा हो गया आधार कार्ड, तीसरा दोस्तों आधार कार्ड, अगर दूसरा के आधार कार्ड नहीं भी रहा तो आप पैन कार्ड भी ले जा सकते हैं, ऑप्शनल में रहेगा। उसके साथ साथ दोस्तों आपको 20 पासपोर्ट साइज फोटो रखना है। सभी फीमेल कैंडिडेट जो भी मेरा वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं उनको 20 फोटोग्राफ रखना है, वो भी दोस्तों वाइट बैकग्राउंड वाली। अब ये जैसे हो गया, उसके बाद आपको डोमेसाइल सर्टिफिकेट के बाद आपका अपना कास्ट सर्टिफिकेट, 5 डॉक्यूमेंट्स हो गए। छठवा है आपको 10th की मार्कशीट, 7वां 12th की मार्कशीट, और 8वां रहेगा रेसिडेंस प्रूफ सर्टिफिकेट। रेसिडेंस प्रूफ सर्टिफिकेट मतलब आप किस गांव के या किस शहर के निवासी है। उसके बाद 9वां रहेगा अनमेरिट सर्टिफिकेट, 10वां रहेगा सरपंच कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आप नोट करिएगा एक एक डॉक्यूमेंट्स को। 11वां रहेगा आपका रेसिडेंस प्रूफ भी हो गया, 11वां रहेगा आपका स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, या फिर स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं भी होगा तो आप कॉलेज से है पास आउट हुए तो कॉलेज सर्टिफिकेट रख लीजिएगा, कॉलेज का कैरेक्टर सर्टिफिकेट। 12वां में आपका हो जाएगा पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट। 13वां नंबर पे आ जाएगा आपका जो है एफिडेविट नोटरी, 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर आपको अपने नोटरी केंद्र से बनाना पड़ेगा। और दोस्तों इसके बाद 14वां रहेगा स्पोर्ट सर्टिफिकेट, अगर से आप स्पोर्ट वाले हैं तो वो, और इसके बाद रहेगा 5वां जो है आपका NCC का सर्टिफिकेट, ये रहेगा आपका। और इसके अलावा दोस्तों अगर से आपने डिप्लोमा ये भी किया है या डिप्लोमा किया है और डिप्लोमा बेसिस पर आप छूट चाहते हैं एग्जाम में या फिर फिजिकल में, तो आपको डिप्लोमा की मार्कशीट भी ले जाना है। अब इसके बाद ये ऑप्शनल में मैंने बता दिया, डिप्लोमा और NCC सर्टिफिकेट और स्पोर्ट सर्टिफिकेट आपके पास नहीं भी है तो आप 13 डॉक्यूमेंट्स लेकर फिट हो सकते हैं। तो ये था वीडियो के माध्यम से समझ में आ गया होगा कि मध्य प्रदेश में जो है भर्ती कहाँ पर होने वाली है महिला अग्निवीर की। तो ये होने वाली है जबलपुर में और ये कितनी तारीख से होने वाली है, मेन डेट ये है। तो आपकी 2 दिसंबर से ये भर्ती स्टार्ट होने वाली है, कब तक चलेगी ये तो पता नहीं, लेकिन 2 दिसंबर 2023 से आपकी भर्ती स्टार्ट होने वाली है जबलपुर में मध्य प्रदेश के सभी जिलों की महिला अग्निवीर भर्ती। तो इसके अलावा और आपको कहीं और महिला अग्निवीर भर्ती के कैंडिडेट वीडियो देख रहे हैं तो बताइए आप कहाँ से है, आपके एरो का भी वीडियो बना दिया जाएगा। जय हिंद।